धनतेरस पर लोग सोना चांदी के कुछ न कुछ आइटम भी खरीदते हैं। खासकर दीपावली पर होने वाली लक्ष्मी पूजन के लिए चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं। बदलते दौर में अब सिक्कों के साथ साथ बाजार में चांदी के कई आइटम भी आ गए हैं, जिसमें काजू कतली, पंखा, सिलाई मशीन से लेकर चांदी के डिनर सेट, राम दरबार, श्याम खाटू, श्री कृष्ण रथ के साथ जॉर्ज पंचम के समय के चांदी के सिक्के भी शामिल हैं। इसके अलावा इस बार बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर और मूर्तियां भी आ गई हैं, जो सोने और चांदी से बनी हुई हैं। लोग इनकी भी खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक अब नई सोच के साथ बाजार में आता है। बाजार का जायजा लिया संवाददाता विनोद शर्मा ने। धनतेरस के मौके पर ग्वालियर में भी सरापा कारोबार पूरी तरह से सजकर तैयार है और इस समय हम मौजूद हैं इसी तरह की एक सराफा दुकान पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो धनतेरस के मौके पर लोग खरीदारी करने के लिए जब आएंगे तो उनको ये सोने और चांदी से कई तरह के ऐसे नए समय आइटम आए हैं जो उनको देखने को मिल सकते हैं। इसमें भगवान के बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, जिसमें भगवान राधा कृष्ण है, राम भगवान का दरबार है, भोलेनाथ है, इसके अलावा माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, तमाम तरह की सोने के पत्ते की ये प्रतिमा है। इसके साथ साथ चांदी के वर्क के भी बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बार दीपावली पर एक नया चीज देखने को मिल रही है। हम आपको दिखाना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी यहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। ये पूरी चांदी की मूर्ति बनी हुई है और ये धनतेरस के मौके पर रखी है और जो मोदी जी को मानते हैं, वो मोदी जी को लेकर उनके मन में श्रद्धा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी या आम व्यक्ति वो इस प्रतिमा को ले जा सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ये अमित शाह हैं, भारत के गृह मंत्री हैं। अमित शाह एक अपने आप में राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और उनकी भी ये सोने के पत्र की यहाँ पर एक तरह से सीनरी है जो मौके मौजूद है। और साथ ही मोदी जी की ये देखिए, ये भी सोने का बना हुआ है, सोने का वर्क इसमें हुआ है, ये भी आज के दिन के लिए यहाँ रखा गया है। इसके अलावा एक बड़ी तस्वीर भी देख सकते हैं, ये मोदी जी की बड़ी तस्वीर है जो यहाँ पर मौजूद है और इसको भी आम जो ग्राहक है उनके लिए रखा गया है और इसको लोग खरीद के ले जा सकते हैं। हमारे साथ दुकान के संचालक हैं चंदन जी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। इस बार अलग से है इसके मंगाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा, किस तरह से मंगा? मोदी जी को काफी लोग पसंद कर रहे हैं तो मोदी जी इसलिए लेके आए और नई नई चीजें लेके आना हमारा हर बार धनतेरस पे जब भी कुछ होता है तो नई चीज ज्वेलर्स लेके आता है। अगर हम बात करें तो इनकी कितनी क्या प्राइस रखी होगी जो अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो? 9,000 रुपए से स्टार्ट है और 41,000। हाँ, ये 9,000 रुपए के हैं। थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हाँ, ये मोदी जी हैं, ये 9,000 रुपए एमआरपी है और ये वाले मोदी जी हैं, इनका 5,500 रुपए एमआरपी है और ये वाले मोदी जी जो हैं ये सोने के हैं। जी, सोने के हैं। हाँ। और ये 41,000 रुपए के। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन कौन सी ऐसा नया इस बार चीजें देखने को मिलेंगी हमें जो कि जो धनतेरस पर लोग आएंगे उनके लिए खरीदारी के लिए? इधर इस बार फ्रेमिंग में बहुत अच्छा कलेक्शन लेके आए हैं, जैसे अयोध्या राम जी हैं, इधर राम जी हैं, इधर आपका जो ओम भूर्वस्वः का पूरा गोल्ड में बना हुआ है और भी मूर्तियां जो नई आकर्षित है, जैसे आप जी इस बार नई मूर्ति लक्ष्मी गणेश जी की बिल्कुल सोने की प्लेटिंग का है, बहुत अच्छी मूर्तियां लेके आए हुए हैं। और उधर भी मेरे पास दूसरी शॉप पे भी पूरा कलेक्शन है चांदी का। वो भी आपको दूसरी शॉप पे भी चलते हैं आपके साथ तो देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या क्या है, तो उसको भी अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि दिखाएं। और यहाँ दूसरी ये शॉप है, उसमें अभी आप बता रहे थे कि कुछ इस दूसरी शॉप पे भी इस बार आपने कुछ अनोखी जो है सामान मंगाए हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि चांदी की चप्पल भी, चांदी की चप्पल है, मोजरी है और ये पहनने वाली है सारी चीजें। अच्छा, चांदी की चप्पल है, ये आपकी जूतियां हैं, ये आपके सैंडल हैं, पूरे मतलब ये पहन सकते हैं। और इस बार जो कलेक्शन आया है वो रखने वाला नहीं है, पहनने वाला है, यूज करने वाला है। खाटू श्याम जी है, राम दरबार का भी बहुत अच्छा एक कॉपी, ये देखें आप चांदी में जो राम दरबार आए हुए हैं, राम दरबार आए हुए हैं,
ये चांदी के राम दरबार है, इसके अलावा ये सोने की साड़ी भी है, ये सोने की साड़ी है। नहीं नहीं, ये गुलदस्ता आया हुआ है पहली बार, 24 कैरेट गोल्ड का गुलदस्ता है, मतलब जो लोग वैसे गुलदस्ता देते हैं तो गोल्ड का भी गुलदस्ता दे सकते हैं। हाँ, और इस बार एक नई बहुत अच्छी चीज आई हुई है हमारे पास, जो कॉफी और अभी शायद ऐसा बता रहे हैं कि एक नई चीज आई है, शायद सोने की साड़ी है और ये उन लोगों के लिए है जो उसको खरीद सकते हैं। तो अभी ये प्योर गोल्ड गोल्ड की साड़ी है, गोल्ड वर्क है या गोल्ड की साड़ी? नहीं नहीं, गोल्ड वर्क, इसमें 2 ग्राम गोल्ड है पूरी साड़ी के अंदर और कांजीवरम का पूरा काम। अच्छा, क्या कीमत होगी साड़ी इसकी? 75,000 रूपए। ये इसमें सोने का काम? हाँ, कभी भी 2 ग्राम गोल्ड में कभी भी वापस कर सकते, वापस कर सकते। हाँ, इसके अलावा 100% गारंटी रहेगी वापस। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, गोल्ड का गोल्ड के भाव को देखते हुए, गोल्ड के भाव को देखते हुए चांदी में भी कुछ सोने जैसा कलेक्शन आया हुआ है। सोने की पॉलिश है इसके, चांदी के ऊपर पूरा लक्ष्मी हार है, इसी तरीके से डायमंड टाइप में, सिल्वर में, काफी मतलब नया कलेक्शन आया हमारे पास। तो बिल्कुल, और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जिस तरह से आप देखते हैं कि भगवान महाकाल के, महाकाल के भी है, चांदी की घड़ी है, इसके अलावा चांदी का पर्स है, चांदी के राम दरबार हैं, चांदी के गणेश जी हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जो चांदी की यहाँ पर मौजूद हैं, सोने की भी यहाँ पर चीजें मौजूद हैं। और खास करके जो अभी आपने देखा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर चांदी और सोने में उपलब्ध हो रहे हैं, तो ग्वालियर का जो सराफा बाजार है वो पूरी तरीके से धनतेरस पर तैयार है और यहाँ खरीदार भी आ रहे हैं और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वो धनतेरस पर खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि धनतेरस पर चाहे मध्यम वर्गीय हो या फिर जो भी उसका जिस तरह से उसका जेब का जो उसके जेब में जिस तरह से उसकी जेब मुनासिब समझती है उस आधार पर वो खरीदारी करता है और इसी आधार पर वो सराफे बाजार में आएंगे और पूरी तरह से सराफा बाजार सजकर तैयार है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।